तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी जीत हासिल की है आपने। जिस तरह से आप लोगों की जर्नी रही मैंने देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग है। राजी, हमें आपसे भी डेफिनेटली जानना चाहूंगा, लेकिन पवन जी मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि ये जो मोमेंट है कैसे फील करते हैं आप, एंड कुछ कहना चाहेंगे इस जर्नी को लेकर? हालांकि बहुत मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सहयोग देने के लिए। और ये एक ट्रॉफी नहीं, हमारे देश का बहुत बड़ा सम्मान है। तो इसका इसको आगे ले जाने का हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हमें इंडियन आइडल ने ऐसा नाम दिया है तो हम भी इस नाम को आगे लेते हुए बहुत अच्छे काम करें और बहुत अच्छे आगे प्रोजेक्ट्स करें। और सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस लायक समझा कि हम लोग इसकी गरिमा को बरकरार रखें आगे के लिए। तो एक खुशी होती है, इतना लंबा सफ़र था, ऑडिशन में आए थे गांव से और इतना लंबा सफ़र चला और लास्ट तक रहे, और ऐसा सोचा नहीं था कि क्या होगा, विनर कौन होगा, एलिमिनेट कब होंगे, कैसा होगा। बस जब भी परफॉर्म करने जाते थे बहुत घबराहट होती थी, बट इंडियन आइडल के जितना हमारा क्रू था और जितने हमारे गुरुजी लोग थे बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। एक नई क्लास, मैं कहूँगा एक नया स्कूल है इंडिया आइडल म्यूज़िक का, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ आके। और एक गुरुकुल है तो जहाँ पे हम लोग टाइम से उठते हैं, टाइम से रियाज करते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम होती हैं। और उसके बाद दूसरी बात कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त बने सभी लोग एक फैमिली की तरह, तो ये फैमिली सभी लोग साथ में आगे बढ़ें यही कामना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ में बहुत सारे काम करें। आई विश कि आप लोग ढेरों सारा काम करें। राज जी, जिस तरह से आपका सपोर्ट रहा है इनके साथ में, बैक टू बैक आप प्रोजेक्ट भी इनके साथ में कर रहे हैं, अच्छे अनाउंसमेंट भी होने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं, तो बताइए कि जरा इनकी क्या, आपके अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे आप पवन एंड अनुविता जी को? मैं विश करना चाहूँगा कि ये लोग जो जीते हैं ट्रॉफी, इसके पीछे बहुत मेहनत है, इन लोगों की बहुत सारी मेहनत है और एक पूरी टीम एफर्ट है, इंडियन आइडल का पूरा टीम एफर्ट होता है पूरा। मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि शो को सक्सेस कराया है लोगों ने। सो पूरा टीम वर्क से ही ये सब कुछ काम होता है, और जो ट्रॉफी मिली है पवनदीप और अनुविता जी को, तो मैं चाहूँगा कि लोग एक लेवल का अवार्ड मिले इन्हें मूवीज़ में गाना गाए और खुद के सिंगल्स आए, वीडियो आए, और जैसे आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम लोग के साथ में सपोर्ट कीजिए। और हम लोग ये अनाउंसमेंट होने जा रहा है कि हमारी कंपनी ने इनको 10-20 गानों के लिए साइन किया है, एक महीने पहले की बात थी है ये, जो हम लोग ने एक मैंने वीडियो डायरेक्ट किया था इन कंटेस्टेंट के साथ, 6 के साथ मारुति का, जब भी मैंने इन लोगों को इनका टैलेंट फेस टू फेस देखा था कि लोग कैसा गाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और हमेशा सीखने का जुनून है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन आइडल जीत भी गए या कुछ भी है करके, तो एक महीने पहले ही हम लोगों ने इनको साइन कर लिया था कि मुझे नहीं पता था जब भी कौन विनर है, और हाँ तो जब मुझे नहीं पता था कि कौन विनर होने वाला है और कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ आने वाला है, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट आया ना मेरे जहन में कि हम लोग को इनके ऊपर एक म्यूज़िकल सीरीज़ बनानी है एक, और म्यूज़िकल सीरीज़ ये कभी नहीं हुआ इंडिया में, और जिन्हें इन म्यूज़िकल सीरीज़ में लोग एक्ट भी करने वाले हैं और लोग गाना भी गाने वाले हैं, और ये पांचों जो म्यूज़िकल सीरीज़ है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसमें जो सॉन्ग्स भी है देयर आर डिफरेंट सॉन्ग, एक सब गानों का एक लेयर्स है, सो जो ऑडियंस को सबको पसंद आएगा, क्योंकि इनकी जोड़ी भी एक हिट जोड़ी है, और इनके जो फैंस है जो इनको देखना चाहते हैं, जो इनको सुनना चाहते हैं, तो उसके उन लोगों के लिए एक विजुअल ट्रीट है, और गानों के साथ साथ एक विजुअल ट्रीट कर रहे हैं, और उनका उस चीज़ का हम लोग एक टीजर आउट करने वाले हैं। वो गाने में से हम लोग कुछ लाइन्स आज गाएंगे, उसका ही प्रैक्टिस कर रहे थे लोग, और ये हम लोग शूटिंग करने वाले हैं कश्मीर में और हिमाचल में, जो कि बर्फीले पहाड़ है, वो हिसाब से हम लोग ये प्लान किया है पूरा कॉन्सेप्ट। मेरे सारे प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता नहीं कि और कहीं जाने की जरूरत है आपको, बस नहीं, इन लोग बहुत जगह जा रहे हैं, इन लोग एक्चुअली मुझे मिल गया, मैं लकी हूँ कि मुझे मैंने कर लिया क्या, और इनको आप जानते ही हो कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने साइन किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल ना इनको, जो जिन लोगों ने, जैसे करण जौहर सर ने इनको साइन किया है दोनों को,
और उनका स्पेशलिटी ये है कि उनके गाने जो होते हैं वो एक विजुअल ट्रीट होता है. सो इनके जो गाने गाएंगे लोग और उनके ऊपर जो गाने बनेंगे, सो वो पूरा के पूरा एक टीम वर्क जो होगा, दे विल डू जस्टिफाई द टैलेंट व्हाट दे हैव एंड ऑल. सो आई एम वेरी हैप्पी यू नो द करण सर हैव गिवन देम द सॉन्ग एंड ऑल, और उनके हिसाब से ये लोग गाना चुनेंगे. सो हम तो चाहेंगे कि ये और तरक्की पाए और अवार्ड जीते, फिल्म फेयर अवार्ड जीते, आईफा जीते, फिर ऑस्कर की तरफ जाए, फिर आप लोग आए हमारे पीछे अमेरिका तक, फिर हम लोग वो चाहते हैं कि हम लोग तरक्की तक, हम इसको देखना चाहते हैं. क्योंकि इतनी कम उम्र में मैंने इतना टैलेंट कभी भी नहीं देखा है कि ये 18 साल की एक लड़की है और ये 23 साल का एक लड़का है. ये इतना ये लोग ऐसा नहीं है कि नए सिंगर है, ये पूरा के पूरे तैयार है प्लेबैक सिंगिंग के लिए. ये मल्टी टैलेंटेड है पूरा. इनको ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं आता है बजाने के लिए. इनको इनको सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं. और ये तो कोयल ही है जो हम लोग इसको जब बात भी करती है तो ये सुरीली ही करती है. और इनके साथ टैलेंट के साथ साथ टैलेंट तो सब में होता है. इनमें दो चीज़ बहुत चीज़ है, ये लोग बहुत मेहनत बहुत करते हैं और इनको एक गॉड गिफ्ट है कि इनके टैलेंट में इनका जो एक्स फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो एक गॉड गिफ्ट है जिसके लिए लोगों को इतना पसंद आ रहा है. चलिए, इसी बहाने आपने एज भी रिवील कर दी. अरुणिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विक्ट्री को लेकर, जिस तरह से आपकी जर्नी रही हमने देखा, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विक्ट्री को लेकर? सबसे पहले तो मैंने ये सब सोचा नहीं था कि ये सब होने वाला है. मैं फाइनल तक पहुंचने वाली हूँ, उसके पहले मतलब सिलेक्ट भी हो जाऊंगी, ये सब कुछ सोचा नहीं था. बस ऐसे ही सीखना है करके आई थी. तो उसके बाद सीखने के लिए आए थे, मतलब मेरा वो ही था दिमाग में कि सीखना है, बाद में जो होगा वो होगा. तो उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा पहले थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी मैं जब गाती थी, क्योंकि इतना बड़ा मंच ऑब्वियसली सबका सपना रहता है कि आइडल के मंच पे आके गाना. तो उसी मंच पे गाना और इतने बड़े बड़े जजेस बैठे रहते थे और इतने सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं हमारे शो पे, तो थोड़ा सा पहले मैं नर्वस होती थी. उसके बाद धीरे धीरे सब हमारे को कंडस्टेंट ने जितना सपोर्ट किया और हमारे जो रूमर्स थे उन लोगों ने भी इतना मोटिवेट किया, इतना इंस्पायर करते थे सब लोग, कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ते गया और फिर फिनाले में पहुंच गए और ये रनर अप का ट्रॉफी मिला. तो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ खुद को. और जनता ने इतना प्यार दिया, मतलब जनता को बहुत सारा प्रणाम, बहुत 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 धन्यवाद मुझे इसका, मतलब मैं इसका मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे ये मिल सकता है ये, मतलब उन लोगों ने सोचा, इसके लिए बहुत धन्यवाद. पवन जी एंड मैडम, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जब ये जर्नी जैसे जब आप लोगों की स्टार्ट हुई थी तब से लेके ये ट्रॉफी तक, बीच में ऐसा कहीं लगा कि, मतलब जैसे कि आपने बताया कि इतने बड़े मंच पर नर्वसनेस आती है, बीच में ऐसा कहीं लगा कि ये मुझे शो क्विट कर देना चाहिए या मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ अंदर से फीलिंग आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि हर वक्त इतने लेजेंड्स लोग आ रहे हैं, इतने जो हमारा म्यूज़िक हम लोग करते हैं, तो एक ये रहता है मुद्दा कि हम लोग बॉलीवुड में जाएं, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे गाने गाएं. तो इतने बॉलीवुड के महारथी लोग आते हैं, वो हमेशा अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जानकारी मिलती है कि काम कैसे होते थे पहले और अब कैसे हो रहे हैं. तो मैं नहीं चाहूँगा कि इतनी अच्छी क्लास छोड़ के मैं क्विट कर दूँ शो को. और ट्रॉफी के लिए कभी नहीं लड़े, बस अच्छा गाने के लिए लड़े कि हमेशा जब भी मंच पे जाएं अच्छा गाएं. लेकिन फिर भी पैर कांपते थे पहले, 2-1 जब डायरेक्टर साहब बोलते थे तो डर लगता था, अरे टेक स्टार्ट होने वाला है. तो ये बहुत कमाल का अवसर था, इस अवसर को छोड़ना, मतलब कि मैं नहीं समझता हूँ कि इसको छोड़ना चाहिए. तो बहुत मतलब यही है ना कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं और स्कूल इतना अच्छा मिला है आपको, अब उसको छोड़ के बीच में चले जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है. और हम पूरा सीखना चाहिए. जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने तो आपको साइन कर लिया है लंबे टाइम तक, और भी मैंने सुना है कि ढेरों सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि करण जौहर के भी फिल्मों में आप लोग कर रहे हैं, कुछ और बताइए कि और कहां कहां से प्रोजेक्ट आ रहे हैं. तो एंड आपके होम टाउन से, आप लोगों के होम टाउन से क्या क्या कुछ विशेष मिल रही है? तो पहले प्रोजेक्ट कहां कहां से आ रहे हैं आप लोगों के पास? प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और अभी तो हमें क्या, मैं चाहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से निभा पाऊँ पहले तो मैं, और लोग इतना लायक समझ रहे हैं कि मैं उनको कर सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको बहुत अच्छे से निभाया जाए. और उत्तराखंड से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और हमारे गांव से कि कैसे हो क्या हो, बहुत से दोस्त लोग कहते हैं भूल मत जाना, भूल गया क्या. तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को फ़ोन किया जो बोलते हैं भूल जाएगा, तो भूल जाएगा वाले जितने दोस्त हैं पहले, सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि भूला नहीं हो भाई. हाँ जी,
आप कुछ कहना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट भी जो आ रहे हैं एंड ग्रुप में जाना जैसा कि सर ने बताया हम मतलब जब शो में रहते वक्त भी हिमेश सर ने हमको उनका कुछ गाना हमसे गवाया था तो मतलब ये सब हिमेश सर के गाने मैं तो बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ और वही हमारे शो के जज थे और बीच में मतलब शो चलते वक्त ही ऐसा नहीं कि शो ख़त्म हो गया उसके बाद मतलब शो के अंदर ही उन्होंने हमें ये मौका दिया उनके गाने गाने का तो वो एक बहुत बड़ा मौका था हम लोगों के लिए तो हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और उसके बाद तो अभी राज सर ने भी इमीडिएटली हमें प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए हमें मतलब हम कर सकते हैं उसका लायक सोचा सबसे पहले तो उसके लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद थैंक्स टू और वो एचआर सर वाला जो है तो एचआर सर ने हमें तो गाने दिए ही बाकी जितने बच्चे थे औरों की भी सबके गाने आ रहे हैं सबको मौका दे रहे हैं और इतने बड़े बेहतरीन बेहतरीन गाने तो एक सबका सपना पूरा हो रहा है कि उनके गाने आ रहे हैं सबका यही सपना होता है कि मेडल के बाद क्या तो सॉन्ग्स आते हैं यही असली मतलब मैदान होता है कि सॉन्ग्स आएँ जनता को प्यार मिले और हमें बड़ी खुशी होती है गाना गाने में क्योंकि उसी के लिए बने हैं तो एचआर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने शो के बीच में ये मौका दिया कि हम उनके गाने गा पाएँ क्योंकि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के तो धन्यवाद राज जी का साथ हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा जी सर ने तो इतना ज़्यादा बड़ा मौका दिया है कि हीरो हीरोइन वाला फील आ रहा है मेरे बाल आप अभी देख रहे हैं मैंने कैप नहीं पहना मैंने टोपी नहीं पहनी हुई है इसलिए नहीं पहनी हुई है क्योंकि ये मेरा लुक का एक हिस्सा है तो जो गाने में आने वाला है जो हम अभी थोड़ी देर में रिवील करेंगे तो इसलिए मैंने टोपी नहीं पहनी है वरना आपने मेरे को हमेशा टोपी वगैरह में देखा होगा